हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विवेक धरी, इंस्ट्रक्टर बीआईटी सिंदरी। आइए आज हम लोग रीगल डीएसओ में कर्सर सेटिंग करना सीखते हैं। तो इसमें हम लोग मैन्युअली कर्सर को सेट करेंगे और फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड मेजरमेंट करना सीखेंगे। तो यहां पे ये हम लोग का स्क्वायर वेव इनपुट है। तो इस वेवफॉर्म का फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 kHz है और इसका पीक टू पीक वोल्टेज है 7.36 volt और इसका भी पीक वोल्टेज है 3.68 volt। तो इसको हम लोग मैनुअली मेजरमेंट करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का कर्सर बटन है, तो इसको हम लोग प्रेस करेंगे। तो अब हम लोग का यहाँ पे 3 mode आएगा, एक मैनुअल मोड, ट्रैक मोड और ऑटो मोड। तो अभी हम लोग मैनुअली मेजरमेंट करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैनुअल मोड को सेलेक्ट करेंगे इस बटन से, इसको फिर मैनुअल मोड सेलेक्ट करने के बाद इसको प्रेस करेंगे तो ये मैनुअल मोड में आ जाएगा। अब यहाँ पे इस बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट है, सोर्स है, कोर्स ए, कोर्स बी और कोर्स ए बी। तो यहाँ पे सेलेक्ट में जो है हम लोग या तो हॉरिजॉन्टली हम लोग कर्सर को सेट करेंगे या वर्टिकली। तो अभी हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली कर्सर को सेट करेंगे यानी फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करेंगे। तो अभी देखिए ये कर्सर हम लोग का मूव हो रहा है, तो ये कर्सर ए है, यहाँ पे कर्सर ए है, तो ये अभी मूव हो रहा है। तो इसको हम लोग किसी एक एज में सेट कर देंगे। तो इस एज में हम लोग इसको सेट करेंगे और यहाँ पर इस बटन को प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे कर्सर बी ये लाइन है, तो इसको हम लोग इस एज में सेट कर देंगे यानी एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे सेट करके इसको प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का फ्रीक्वेंसी मेजर हो रहा है। तो अभी हम लोग का फ्रीक्वेंसी है 1.037 kHz। तो ये मैनुअली यहाँ पर मेजरमेंट हो गया फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग पीक टू पीक वोल्टेज मेजर करेंगे। तो अब यहाँ पे सेलेक्ट पे चेंज करेंगे, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली पैरेलल लाइन लाएंगे। तो ये वाला हम लोग का कर्सर ए है, तो इसको हम लोग टॉप में सेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे टॉप में सेट हो गया। अब इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे। अब ये कर्सर बी है, तो इसको हम लोग बॉटम में सेट कर देंगे और इसको यहाँ से प्रेस करेंगे। तो अब हम लोग का पीक टू पीक वोल्टेज मेजर होगा। तो यहाँ पे देखिए पीक टू पीक वोल्टेज दिखा रहा है 7.04 volt और यहाँ पे हम लोग का पीक टू पीक वोल्टेज जो मेजर किए हैं ऑटोमेटिकली वो है 7.36 volt। तो अगर हम लोग भी पीक मेजर करना चाहते हैं तो इसको हम लोग कर्सर ए को यहाँ पर मूव करेंगे, तो हम लोग का यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही वोल्टेज मेजर होगा। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज शो करा है 3.520 volt और हम लोग का यहाँ पे भी पीक है 3.68 volt। तो इस तरह से हम लोग कर्सर को रोटेट करके मैनुअली मेजर कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।